आप भी चाहते हो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग करना, दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर VN एप्लीकेशन से आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो VN एप्लीकेशन से अगर आप एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं देना होगा, आप फ्री में यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी वाटरमार्क भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर से अगर काइनमास्टर डाउनलोड करके करेंगे तो दोस्तों ऐसे में वाटरमार्क आती है, अगर आप यहाँ पे पेड वर्जन लेंगे तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर VN एप्लीकेशन से आप कैसे अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे तो यही बताने वाला हूँ, और बिना वाटरमार्क के कर पाएंगे, आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो वीडियो को प्रॉपरली लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। सो आज दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैंने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और गाइस मैं इस एप्लीकेशन से खुद भी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर मैंने बना के रखा हूँ, खुद भी यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटिंग करता हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने मोबाइल के अंदर पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो प्लस आइकन है आपको इस प्लस आइकन के अंदर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट है आपको इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे VN एप्लीकेशन से वीडियोज़ को एडिटिंग कर पाएंगे। मैं खुद भी इस एप्लीकेशन से वीडियोज़ को एडिटिंग करता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियोज़ के अंदर चले जाना है, फिर आप जो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करना कर लेता हूँ, या फिर मैं और दूसरा तीसरा वीडियोज़ को करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। चलिए मैं दूसरा तीसरा वीडियोज़ को नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ही वीडियो करके दिखा लेता, जैसे कि कर दिया हो उसके बाद कर देना मुझे नेक्स्ट। फिर हमारी यहाँ पे वीडियो आ जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होगा और यहाँ पे हमारे टाइमलाइन के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों इसको कहता है टाइमलाइन, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियोस आ गया, और अगर आप इस तरह से उंगली से करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, जैसे कि देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पीला पीला जो आ रहा है वो भाई यहाँ पे वॉइस है, और जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला हो, यहाँ पे चुपचाप मैं रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे कुछ नहीं आया, जैसे कि देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, वीडियोज़ को यहाँ पे ले लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो फिल्टर है आपको इस फिल्टर के अंदर क्लिक करना है। फिल्टर के अंदर क्लिक करने के बाद अपने वीडियोस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर को चूज़ कर लेना। अगर वीडियो में लाइट ज़्यादा रहेंगे तो आप कम कर देना, कम रहेंगे तो ज़्यादा कर देना, उसको तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले इस तरह से आप लाइट को एडजस्ट कर लेना ताकि वीडियो देखने में अच्छा लगे, जो जो जितना जितना चाहिए होगा उतना उतना कर लेना। जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पहले वीडियोस को एडिटिंग करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। तो हमारे सब कुछ वीडियो यहाँ पे एडिटिंग हो गए पहली काम। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, देखिए इस वीडियोस के अंदर बहुत सारा ऐसे आना से पार्ट है जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बोला हूँ, कुछ मैंने बोला ही नहीं हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो स्प्लिट है जो केची वाला चिन्ह है मुझे इसके अंदर क्लिक कर देना है, और जो सामने वाला हिस्सा है उससे मुझे काट कर देना है। इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो डिलीट है हम डिलीट के अंदर क्लिक करके काट कर देंगे। तो अभी हमारी वीडियोस यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, मैं यहाँ पे बोलते बोलते यहाँ पे रुक गया हूँ। मैं जैसे कि देख सकते हैं देखा लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रुक गया हूँ, कुछ नहीं बोला हूँ, जैसे कि देख सकते कुछ नहीं बोला हूँ। तो आप इस तरह से आप देख रहे हैं जूम करके, फिर मुझे करना क्या है, इसके अंदर क्लिक करना है, और मान लीजिए मैं यहाँ तक कुछ नहीं बोला हूँ, तो मुझे यहाँ तक कुछ नहीं बोला हो, तो सबसे पहले करना क्या है, मुझे इसके अंदर कोई आ गया था तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके अंदर मैं कट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर क्लिक करेंगे, और जो मिडिल वाला हिस्सा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते इस तरह से हो गया। तो आप इस तरह से वीडियोस को एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप सब तो गलती से कट गई उसको मैं वापस कैसे लाऊं तो वो भी ला सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या जो आपको आंडो है इस आंडो के अंदर क्लिक करेंगे और वापस से आ जाएंगे, जैसे कि देख सकते वापस से आ गए। तो इस तरह सब करना, फिर आप इसको भी कट कर देना। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हमारी यहाँ पर तक तो हो गई। फिर अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो मैं बोला हूँ तो आ गया, और अगर आप पिछली वाला हिस्से को काटना चाहते हो वो भी काट सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से क्लिक करेंगे और अपने जो भी अननेसेसरी पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर देंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं इस वीडियोज़ के अंदर कोई म्यूजिक ऐड करना, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, या फिर खुद बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना होती है तो आप बोलना चाहते हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर क्लिक करके बोल सकते हो। जैसे कि देख सकते मैं यहाँ पे आपको दिख रहा, तो इस तरह से आप बोल भी सकते हो, कुछ बोलना होते हैं
हेलो दोस्तों, आपको हमारे एक नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बोल दिया हो तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी गाइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हैं इसको एडजस्ट करना अपने हिसाब से तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। या फिर आप चाहते हो उसको डिलीट करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं डिलीट भी करूँगा, तो यहाँ पे जो डिलीट है इस डिलीट के अंदर क्लिक करके डिलीट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरह से हो गया। तो अगर आप चाहते हैं म्यूजिक ऐड करना तो वो भी कर पाएगा। इसके लिए आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो म्यूजिक है इसके अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो माय म्यूजिक है इसके अंदर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भी म्यूजिक मिलता है, लेकिन यहाँ से आप मत करना क्योंकि फ्यूचर में आपको कॉपीराइट वगैरह मिल सकता है, तो यहाँ पे ना करें तो अच्छा है। तो मैं करता कि यहाँ पे जो म्यूजिक है इसके अंदर क्लिक करेंगे। दोस्तों यूट्यूब के अंदर एक चैनल है जो कि आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक प्रोवाइड करती है, तो आपको यूट्यूब के अंदर क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है NCS, जैसे कि देख सकते हैं आपको NCS नो कॉपीराइट म्यूजिक जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक देती है जो कि कॉपीराइट आपको नहीं आएगा, आप यहाँ से अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हैं पॉपुलर वीडियोस के अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ आके रखा है, तो आप यहाँ से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हो, तो मैंने यहाँ पे कोई एक चूज कर लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मैंने, चलिए इसको दोस्तों इस तरह से मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको इस तरह से कर लिया हो और करना क्या है, मुझे यहाँ पे सुन भी सकता हो। फिर मैंने यहाँ पे कर लेते हैं क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेके यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कम वगैरह करना तो ये भी एडिट कर सकते हो। इस एडिट के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको करना है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करना है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कम कर सकते हो। जैसे कि देखते तो आपने जो वॉइस है वो सही रहना और आपके जो म्यूजिक है उसका वॉल्यूम आप कम कर देना है। तो इस तरह से क्लिक करेंगे और आपने जो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मुझे काट लगाना तो यहाँ पे मेरे अननेसेसरी पार्ट है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट के अंदर क्लिक करके और इसको आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि देख सकते डिलीट हो गए। तो गाइस अगर आप चाहते हैं हमारे जो वीडियोस है यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह ऐड करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो टैप टू एंड स्टिकर है, तो आप यहाँ पे करेंगे फोटो भी ऐड कर पाएंगे, वीडियोज भी ऐड कर पाएंगे। तो हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, सबसे पहले पिक्चर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियोज आ गया और यहाँ पे फोटोस आ गया। अगर आप फोटोस ऐड करना चाहते हो तो फोटो आएगा, वीडियोस ऐड करना चाहते हो तो वीडियोस आएगा। चलिए मैं यहाँ पे कोई फोटो को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस फोटो को ऐड कर लिया, मेरे एक थंबनेल है तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। अगर वीडियो ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते ये भी हो गया, और वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो इसके अंदर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि वीडियो है वीडियोस के अंदर क्लिक करेंगे। जो भी वीडियोस आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर एक वीडियोस को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं तो यहाँ पे एक वीडियोस है जिसकी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं वीडियो सही से नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ आके नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियोस के अंदर करना है यहाँ पे मोशंस लगाना चाहते हो वीडियोस के अंदर, तो आप मोशंस के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से आएगा। तो आप जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से आएगा। तो अपनी पहले तो वॉल्यूम की तरफ कम कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे मोशन लगा के ला सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको आपको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये दोस्तों हो गया। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो सेम प्रकार से आप स्प्लिट कर देना, आप कट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखना, तो आप लिख भी सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टी है टैप टू ऐड सबटाइटल, इसके अंदर क्लिक करेंगे और आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। चलिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो लाइन बहुत वगैरह आ गया, यहाँ पे कलर वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देता हूँ तो चलिए सब्सक्राइब दे देता हूँ। उसके बाद कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं जो भी आपको कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर पाएंगे, जिसको जिसको जितना जितना फॉन्ट चाहिए होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना अच्छे से आ रहा है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना सही से। एक दो बार जब करेंगे आपको पता चलेंगे। फिर इसको कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, इसके हिसाब से आप कर भी सकते हो। तो ये हो गया। अभी दोस्तों मान लीजिए मैं जो यहाँ पे वीडियोस है मैं यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले करना क्या है, मेरे यहाँ पे वीडियोज़ के अंदर इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं काट करूँगा तो इसके अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको जूम करना तो आप जूम भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं आपको जूम इन जूम आउट कर पाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। अगर आप चाहते हो वीडियो की जो साउंड है या फिर स्पीड को ज़्यादा करना तो इसके अंदर स्पीड के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके आप कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको चाहिए होगा तो करना और ना मत करना। यहाँ पे तो वॉल्यूम हो गया, उसके बाद आप वीडियोस को क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशियो आ गया तो अपनी सबसे कर लेना, जैसे कि दिखाई दिया। तो ये तो हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियोस को उधर घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड पे कुछ लगाना, बॉर्डर लगाना, तो वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे बीजी के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे चेंज हो गया। तो जैसे कि देख सकते हो देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपको चाहिए होगा इस तरह से कर सकते हो।
तो ये तो आपकी हो गया, ये भी आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हो, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर भी है तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। चलिए मैं आपको बॉर्डर दिखा लेता हूँ। अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो इस तरह से वीडियोज़ के नीचे इस तरह से बॉर्डर हो जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेना। तो ये तो हो गया, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई भी हो गया। अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर कोई चीज़ है जो मैं यहाँ पे मैं पूरा ब्लर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए जो ब्लर है ब्लर के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्लर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, देखिए है ना। तो आपको जितना ज़्यादा चाहिए होगा इतना सारा कर लेंगे और यहाँ पे आप कर लेंगे, तो होगा क्या, आपके जो वीडियो है यहाँ से ब्लर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से आपकी वीडियो ब्लर हो जाएगी। तो चलिए मैं आप ऑन कर लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वीडियो ब्लर हो गए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए मैंने वीडियोज़ को यहाँ पे काटा हूँ लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे पता चल गया। तो मुझे करना है कि सबसे पहले इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा आपकी स्प्लिट है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते इस तरह से आप लगवा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे लगा सकते हो ताकि किसी को पता ना चले। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। और भी अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हो यहाँ पे वीडियोस की जो ऑडियो है वो आप निकल लेना, वो आप एक्स्ट्रा करके निकाल लेना, तो इसके लिए आप करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेंगी जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो है, आप इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपकी वीडियोज़ के ऑडियो है निकल जाएंगे। फिर इसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो इसको आपको एडजस्ट करके मिला सकते हैं। तो डिलीट करना चाहते हो इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा डिलीट हो गया, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आगे आ भी गया। तो इस तरह से हो गया, और भी बहुत सारा काम आप कर सकते हो। जो जो मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताई दिया हो, और यहाँ पे आप एफेक्ट्स भी लगा सकते हो, जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एफेक्ट्स, मतलब कि दोस्तों एक फ्री एप्लीकेशन है और तरह तरह की चीज़ आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो आप ट्रिम भी कर सकते हो अपने वीडियोस को, जितना ज़्यादा आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हो गया, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो चेक कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा दिया। इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लाइक वगैरह यहाँ पर जैसे कि देख सकते इस तरह से देंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ लाइक। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से आ गया, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, VN एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ जैसे कि देख सकते हो सब कुछ आप यहाँ पे सही से कर लेना ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपकी जो वीडियो है प्रॉपरली ये यहाँ पे एडिटिंग हो गया, फिर आपको सेव करने की बारी आएंगे। तो आप सेव कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑटो पे रहेंगे, तो आपको ऑटो पे रहना नहीं है, यहाँ पे ऑटो में खुद यहाँ पे डालता है, तो आपको यहाँ पे मैनुअल के अंदर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 1080p आ रहा है, अगर 4K आ रहा है तो 4K सपोर्ट करना, मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप रेजोल्यूशन वगैरह करना, FPS वगैरह करना, उसके बाद इस तरह से करके आप एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कर देंगे अपने मोबाइल के अंदर सेव होते रहेंगे। दोस्तों यही था हमारी VN एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वीडियोज़ को एडिटिंग कर पाएंगे। तो वीडियो कैसे लगा आपके राय जरूर बताना, फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ, तब तक आपका खेल रखना। जय हिंद।